मोड का देखेंगे यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है मोड लिखा है, और मोड के आगे लिखा है नंबर और डिवाइडर, मतलब कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को तो यहाँ पे ये रिमाइंडर पास करेगा, मतलब शेष फल आपको बताएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूले को एक्सेल से कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोड 9.3, मतलब 9 क्या है नंबर है और 3 क्या है डिवाइडर है, मतलब 3 से आपको डिवाइड करना है 9 को, तो आंसर क्या आएगा 0, शेष फल बता रहा है, रिमाइंडर मतलब 0, सही है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.2, 2 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे ये बता रहा है कि नंबर लिखा है कॉमा डिवाइड, मतलब नंबर ले लिया, जैसे मैंने 5 कॉमा लिया, मैंने कॉमा लेने के बाद जैसे मैंने 2 को डिवाइड किया, तो 2 का डिवाइड देने के बाद क्या काम करेगा ये आंसर इसका शेषफल में बताएगा 1, सही आ रहा है। इस तरीके से इसका ये मोड वाला फंक्शन अप्लाई होता है। नेक्स्ट है पावर, नेक्स्ट है पावर। पावर में क्या करते हैं, जैसे कोई फंक्शन है, जैसे कोई सबसे पहले इक्वल टू जैसे पावर लिखा हुआ है और उसके अंदर नंबर मांग रहा है, नंबर कॉमा पावर, मतलब कोई भी जैसे ये पावर लिखा हुआ है, अब जैसे हमने यहाँ पे पावर का अप्लाई करना है, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8। एक बार इसको एक्सचेंज करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रहा है 2 कॉमा, मतलब 2 की पावर, जैसे 2 लिया कॉमा ले लिया यहाँ पे 3, जैसे 2 की पावर हो गया क्या 3, तो यहाँ पे 3 लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, और जैसे क्लोज करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए 8, जैसे एंटर करेंगे तो 8 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं, जैसे पावर का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है 3.3, 3 × 3 × क्या करेगा 27, मतलब आपका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है जैसे पावर के बाद है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या काम करेगा, जैसे स्क्वायर रूट होता है कोई भी फंक्शन का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 का देखते हैं स्क्वायर रूट कितना आता है, जैसे स्क्वायर रूट रखा है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो जैसे नंबर लिया है एंड 5 आ गया, 12 का जैसे × करेंगे तो 140 होता है, 44 होता है, जब इसका स्क्वायर रूट चेक करेंगे तो आंसर क्या बताएगा 12। ऐसे ही सभी का अपन चेक कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को अभी दिखा सकते हैं, स्क्वायर रूट से ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट है एंड गेट, एंड गेट और गेट ये अलग गेट आते हैं, जिसमें अपन को बताना पड़ता है कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन चेक करता है। जैसे एंड गेट में हमने कंडीशन ले लिया, सबसे पहले कंडीशन लिया है यहाँ पे 1-1, जैसे कंडीशन यहाँ पे दे दी है 1-1 सबसे पहले एंड गेट के अंदर, इसको थोड़ा सा सही तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। जैसे यहाँ पे एंड गेट की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे दिया है जैसे 1-1, कंडीशन कैसी है 1-1, मतलब यहाँ पे अपन चेक करते हैं कंडीशन दिया हुआ है एंड गेट में 1.1, मतलब आपके दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तब आंसर कैसा रहेगा अपना ट्रू रहेगा, और जैसे ही एक भी कंडीशन आपकी 0 है, मतलब एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो आंसर हमारा फॉल्स में ही जाएगा सभी के अंदर। ये एंड गेट का फंक्शन है, एंड गेट की कंडीशन, मतलब 0-0 पे तो आपका 0 ही रहेगा, मतलब फॉल्स ही रहेगा, जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जैसे कि 1-1 लगाए तो आपका ट्रू रहेगा, बाकी सब में आपका 0 रहेगा, मतलब फॉल्स, मतलब कोई भी एक भी कंडीशन आपकी 0 है मतलब फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या रहेगा पूरा फॉल्स रहेगा एंड गेट में। नेक्स्ट आता है और गेट, और गेट तो और भी सिंपल है, इसमें क्या है बहुत आसान होता है। जैसे और गेट में दिया है, इसमें कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, जैसे कंडीशन दिया है यहाँ पे 1 only 1, और मीन्स होता है जैसे एक कंडीशन आपकी ट्रू है तब भी आंसर क्या रहेगा ट्रू रहेगा, जैसे कंडीशन आपकी 1 ट्रू है तो आंसर भी ट्रू है, जैसे कंडीशन आपकी फॉल्स है मतलब 0 है तो कंडीशन आपकी कैसी रहेगी फॉल्स रहेगी। नेक्स्ट है जैसे कंडीशन आपकी दोनों कंडीशन दे दी, जैसे एग्जाम्पल में आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो ऊपर का भी कर सकते हैं नीचे का भी कर सकते हैं, जिस तरीके अथवा में रहता है, तो कंडीशन हमने दोनों दे दी तो दोनों में क्या बताएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पे भी एक कंडीशन है आपकी, ये भी अथवा वाला ऑप्शन हो जाएगा, जैसे मान के चलो एक ऊपर का ऑप्शन कर दिया, नीचे वाला ऑप्शन नहीं किया है,
तो आंसर तब भी हमारा ट्रू रहेगा, मतलब एक कंडीशन ट्रू है तब भी हमारा ट्रू रहेगा, ठीक है, ये भी हमारा ट्रू है, और जब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स होंगी मतलब जीरो जीरो होंगी तब आंसर क्या रहेगा हमारा फॉल्स रहेगा। ये फंक्शन किस पे काम करता है, ऑफ गेट पर। नेक्स्ट आता है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या काम करता है, ये उल्टा नेगेशन का काम करता है। जैसे कंडीशन हमने अभी जीरो रखा है तो कंडीशन जीरो है नेगेशन में जाएगा तो मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब आपकी ट्रू कंडीशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपका वन रखा है मतलब कंडीशन अभी वन है तो नेगेशन करेंगे इसको उल्टा तो फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं इसको, जैसे यहाँ पे कंडीशन लिया गया है, ये कंडीशन क्या लिया है नॉट के अंदर जीरो लिया गया है, तो कंडीशन अभी कैसी है जीरो, बट इसका उल्टा करेंगे नेगेशन मीन्स होता है नॉट, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जब अपन कंडीशन वन दे रहे हैं तो आंसर कैसी है ट्रू, और निगेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा